नमस्कार नमस्कार, हेलो श्याम सुंदर, नमस्कार आईटीआई नॉलेज, हाय नमस्कार ना, काफ़ी सारे बच्चे जुड़ते चले जाए। हेलो सर मुकेश नमस्कार, शुभम नमस्कार, अंकुर वर्मा नमस्कार, काफ़ी सारे बच्चे जुड़ते चले जा रहे हैं। और शेयर कर दें एक बार अपने सभी मित्रों को। और आज जो हम डिस्कशन करने के लिए आए हैं आप सभी के बीच में, ये डिस्कशन करने आए हैं विशेष तौर पर क्या रहनी चाहिए हमारी स्टडी प्लान, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए और किस तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए, हमारा स्टडी प्लान क्या है, ये सब आप सभी के बीच में लेकर के आने वाले हैं। एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें आप सभी इसके सेशन को, और मैं आप सभी के बीच में बेस्ट से बेस्ट जो स्टडी प्लान है मेरी तरफ से, जितना मैं अपने तरफ से बेस्ट कर सकता हूँ वह सभी मैं आपके लिए करने वाला हूँ। मेरे साथ में इस समय बाबा सर हैं, बाबा सर जो कि आपके गूगल गुरु के नाम से जाने जाते हैं, गूगल बाबा जिन्हें कहा जाता है, और जो कि स्टैटिक जीके जो कि 10 नंबर का आपका मटेरियल आता है उसके लिए बेस्ट ऑफ दी बेस्ट हैं। देखो, और मेरे इस साइड हैं सर विपिन सर जो कि मैथमेटिक पढ़ा रहे हैं हमारे ऐप के अंदर, और ऐप में जो धड़ाधड़ क्लासें ले रहे हैं और जो कि ट्रिकी मैथ पढ़ाते हैं, और जिनका एक्सपीरियंस इतना विशाल है कि मैं इसके बारे में चर्चा आपसे नहीं कर सकता हूं। इनके पास बहुत विपिन सर के पास ने सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दी है विपिन सर ने, और मेरे हिसाब से तो मेरे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर जो कि जिन्हें की ऑफलाइन का एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है, ऐसे टीचर्स को मैंने आपके साथ में जोड़ा है जो कि ऐप में इस समय पर क्लास ले रहे हैं। यूट्यूब पर क्लास लेने के लिए हम एक अलग से मैथमेटिक के टीचर्स को लेकर के आ रहे हैं, वो भी एक अच्छे टीचर हैं, तो आप उनसे उनका लाभ उठाइएगा। और विपिन सर से रेगुलरली आप लोग पढ़ भी रहे हैं ऐप में काफ़ी सारे बच्चे। हाँ, ALP की वैकेंसी कब आएगी बेटा, आप सभी को पता है ना, अभी NTPC का रिजल्ट आ चुका है, और NTPC के रिजल्ट आने के बाद में ग्रुप डी की तैयारी है, ग्रुप डी के रिजल्ट वगैरह आने वाला है। तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई अभी आप लोगों को ये दिमाग में रखना है कि हमारी जो तैयारी है वो आज यहाँ से मालूम चल जाएगा, वैकेंसी आनी चाहिए और कितने समय में आनी चाहिए और क्या क्या ज़रूरतें होनी चाहिए, मतलब वैकेंसी से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी है। आप सभी को मालूम है NTPC का रिजल्ट कितना बहुत बुरी तरीके से बिगड़ा है, तो उस रिजल्ट की तर्ज पर अगर हम सोच लें आज कि हमारा ALP का भी CVT 1 होगा, फिर CVT 2 होगा, CVT 1 के लिए हमें क्या तैयारी करनी पड़ेगी। सर आप तो काफ़ी कुछ जानते हैं CVT 1 के विषय में, और CVT 1 में अगर मैं आपसे बात करूं कि सर 75 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट के होते हैं सर जी, बताइए बच्चे क्या करें। मैं बताता हूं, देखो CVT 1 के विषय में सर से विपिन सर से मैं बात कर रहा हूं है ना, तो देखो सबसे पहले अभी हमारा जो विषय है CVT 1, क्लियर सर जी, इसमें मैथ है बिल्कुल, रीजनिंग है, जनरल साइंस है, GS है, और करंट अफेयर्स है। इसमें भी स्टैटिक जीके कहते हैं, या फिर जिसे भी अपन GS भी कहते हैं, जनरल स्टडी भी कहते हैं ना, तो ये सामान्य अध्ययन कहते हैं सर है ना। तो अभी ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या है अपने पास, क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, जो जनरल साइंस है वो 10 नंबर का है हमारे पास है ना, ठीक है, सॉरी मैं गलत बोल गया थोड़ा सा, हमारे पास ये पोर्शन क्या है 10 नंबर का है, ठीक है, और रीजनिंग का जो पोर्शन है हमारे पास 25 नंबर का है, ठीक है, अच्छा हाँ मैथ भी बता रहे हैं अभी, और ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है ये 20 नंबर का है, मैथ भी कितने नंबर का, 20 नंबर है। टोटल मिलाकर अगर हम देखें जो कि न्यूमेरिकल वाला सेक्शन बनता है एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला अपना सेक्शन बनता है मैथमेटिक के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को करने के लिए क्या चाहिए अपन को, समय, ये दो क्वेश्चन करने के लिए हमें बहुत समय चाहिए, मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन करने के लिए हमें समय चाहिए, ठीक है। और इस पूरे पेपर में 75 क्वेश्चन होते हैं, और 75 क्वेश्चन 60 मिनट में होते हैं, क्या हमारा भी वही हाल होने वाला है जो NTPC में हो चुका है, सोचो जरा दिमाग से, अगर आपका जवाब हाँ में आ रहा है तो आप वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ इस समय पर, ठीक है। तो आप सभी ने देख लिया होगा इस चीज़ को, इस आंकड़े को जरा एक बार आप ढंग से समझ लें। गूगल बाबा लव यू लव, अरे वाह, आपने तो एक दिन में, मतलब गूगल बाबा की अभी क्लास होने वाली है भाई,
ध्यान रखना 8 बजे क्लास होने वाली है गूगल बाबा सर की, इसके बारे में अनाउंस करने वाला हूँ, थोड़ी देर बात करूंगा। लेकिन अभी जो अपन बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात कर रहे हैं, तो जरा इधर ध्यान देंगे। देखो 20 नंबर मैथ, 25 नंबर रीजनिंग और 20 नंबर का जीएस और करंट अफेयर्स 10 नंबर का, 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट में होंगे। 1-1/3 की माइनस मार्किंग भी हमें यहाँ पर इसका भी सामना करना पड़ेगा। अब सोचो जरा, दिमाग लगाओ, आप क्या सोच रहे हो दिमाग में। 45 क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्ट हैं, कितने क्वेश्चन हैं? 45 क्वेश्चन और इधर ये 30 क्वेश्चन और हैं, तो बहुत ही कम समय लेना है ना। हाँ, 30 क्वेश्चन में आप मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट यानी 30 सेकंड का समय ले सकते हो आप एक, है ना। तो 15 मिनट तो आप निकाल दो अपनी परीक्षा से सबसे पहले। अब कितने मिनट बचे उनके पास? 45 मिनट और 45। क्या आप में क्षमता है? क्या आप तैयारी कर रहे हैं इस लेवल से? क्या आपने दिमाग में सोचा कि आप 45 क्वेश्चन 45 मिनट में कर पा रहे हैं? और क्या 45 के 45 क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं? क्या आप 45 में से 40 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं? क्या रेलवे का पेपर इतना अच्छा आ रहा है, इतना ठीक ठाक आ रहा है कि आप 40 नंबर दे सक, मतलब निकाल के ला सकते हैं 45 में से? सोचे जरा, दिमाग में थोड़ा सा ध्यान दें, हल्का सा दिल पर थोड़ा हाथ रखें, इस चीज़ का जवाब दें। भाई विषय है आज हमारा CVT 1 विशेष तौर पर, फिर उसके बाद में हम लोग स्टडी प्लान के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। गूगल बाबा साथ हैं तो डरने की क्या बात है। गूगल बाबा सर तो देखो संभाल लेंगे आपका, गूगल बाबा सर ने तो गारंटी ले ली है। सर बात करें, 10 में से 10 मिलेंगे पूरे, 10 में से 10 पूरा जो है वही मिलने वाला है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। आज 8 बजे से क्लास रहेगी, तो आप लोग डेली लाइव आते रहे 8 बजे, 8 से डेली 8 से 9। ये सेशन जो है रुकने वाला नहीं है। अब अगर भारत की बात की जाए तो भारत जो है क्षेत्रफल के आधार पर आपका 7वां स्थान है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और अगर बात की जाए तो इसमें 28 राज्य हैं, जैसा कि आपको पता होगा। क्षेत्रफल के आधार पर मैं बताना चाहूँगा, सबसे बड़ा राजस्थान है, राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात है, गुजरात के बाद आपका कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद तमिलनाडु की तरफ चलेंगे, तमिलनाडु के बाद तेलंगाना आ जाएगा, तेलंगाना के बाद बिहार है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद आपका आ जाता है आपका असम है, झारखंड है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, पंजाब है, केरल है, उसके बारे में जानेंगे, केरल के बाद मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा सबसे छोटा राज्य है। सर जैसा कि गोवा सबसे छोटा राज्य है 28 में और 3702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, मैं गूगल नहीं हूँ सर, मैं नॉर्मल इंसान हूँ। तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं, जैसा कि मैंने राज्य आपको बताए हैं, तो सारे के सारे अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ एरिया क्षेत्रफल के आधार पर बताए गए 28 राज्य। और भारत करीब जो है 7 राज्यों जो पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा को साझा करता है। जैसे कि सबसे बड़ी सीमा लगती है आपकी ये बांग्लादेश 40.97 सीमा लगती है, उसके बाद चीन से 3488 किलोमीटर लगती है, उसके बाद आपका पाकिस्तान आ जाता है तो पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर लगती है, उसके बाद नेपाल से 1751 किलोमीटर लगती है, और आपका ये आपका आ जाता है उसके बाद भूटान 699 किलोमीटर उससे भी लगती है, और एक आपका देश और है अफगानिस्तान जहाँ भगदड़ मची हुई है अभी, और शांति के मामले में देखा जाए तो 187वां स्थान है। सबसे अशांत देश आपका अफगानिस्तान है, उसकी भी 106 किलोमीटर सीमा भारत से लगती है। ठीक है, देखिए ब्रदर सुनिए मेरी बात, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, मैं एक विशेष तौर पर मैं एक बात कहता हूँ बच्चों से, जो मुझे याद नहीं हुआ मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊँगा, है ना, लेकिन जो मुझे याद हुआ वो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा। तो मैं ये बात हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता आया हूँ, आज तक कहता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं मालूम था कि GK भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे जो आसानी से नंबर, हाँ, टीचर को टीचर जब हमारे गूगल बाबा सर को पूरा स्टैटिक GK याद है, एक एक पॉइंट उनका एकदम एकदम बस वो चालू हो जाए तो फिर रुकने का नाम नहीं लेते, है ना। बस ये है, अगर सर के पास कुछ ताशीर होगी, कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ और टीचरों से कुछ ना कुछ अलग होगा, तभी तो गूगल बाबा सर इतने फेमस है, उनका नाम गूगल बाबा है।
तो कुल मिलाकर मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, 8 बजे वाली क्लास में जरूर जुड़ें और विशेष तौर पर गूगल बाबा सर से आज संविधान के बारे में जानकारी लें। संविधान के बारे में हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए क्लास, लेकिन एक क्लास में काफ़ी कुछ आपको संविधान के बारे में बता देंगे, जिससे जो कि आपके लिए रेलवे में कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी जीके के अंदर जो 10 नंबर का पोर्शन है उसमें कहीं ना कहीं लाभप्रद रहेगा। जैसे भारत सरकार के बारे में आ जाता है। चलिए, काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लिंक बेटा मैं अभी थोड़ी देर बाद जैसे ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, इस क्लास के नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल बाबा सर का जो आज सेशन होने वाला है 8 बजे, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग अपना बात कर लेते हैं अपने स्ट्रेटजी पर, क्या प्लान रहेगा, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। तो सर मैं अब इनको क्लास में भिड़ंग से प्लान समझाता हूँ। देखिए भाई, आप सभी के सामने मैंने पूरा एक इंटरफेयर रख दिया है कि भाई हमारे को 20 नंबर की मैथ, 25 नंबर का रीजनिंग, ये हमारे सामने रहेगा और हमारे पास 45 मिनट रहेंगे। 45 मिनट में आप क्या कुछ कर सकते हैं, ये आज सोचने का विषय है, क्योंकि एनटीपीसी का रिजल्ट ने जिस तरीके से निराशाजनक स्थिति हमारे स्टूडेंट्स के बीच में एक उत्पन्न कर दी है, क्योंकि ये भी रेलवे की बात है और हमें करनी पड़ेगी और वही चीज़ हम आगे भविष्य में भी देखने वाले होंगे रेलवे लोको पायलट के लिए। तो अभी मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपको सभी को बता रखा है कि आपके लिए मैंने कुछ सुविधाएं कर रखी हैं, जैसे जो भी क्लास होती है क्लास के बाद में आपको पर्टिकुलर वीडियो मिलना है हमारे ऐप के अंदर, इसके अंदर ऐप के अंदर वीडियो मिलता है। वीडियो में नीचे की साइड आपको यहां पर पीडीएफ का पोर्शन मिलेगा, पीडीएफ का पोर्शन, इसी में इसी के नीचे जो आपने वीडियो देखा है, जो आपने यहां पर वीडियो अभी देखा है, उसी वीडियो का टेस्ट मिलेगा। अब ये टेस्ट क्या होता है, इसमें आपके 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 क्वेश्चन मिलेंगे या 30 क्वेश्चन मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन रहेगा ये आपका किस लेवल का टेस्ट ये आपका लिया गया है। अगर मान लीजिए चक्रवर्ती ब्याज वगैरह से संबंधित कोई चैप्टर है तो 20 नंबर यानी टफ पार्ट है, तो थोड़ा आसान है तो ये, थोड़ा और थोड़ा ज़्यादा आसान है तो ये, इस तरीके का। अब हम इसमें क्या कर देते हैं, समय को हम लोग यहाँ पर, अब जैसे 20 क्वेश्चन करने हैं तो हम यहाँ पर 20 मिनट का समय देंगे ना, और 25 क्वेश्चन है तो भी आपको 20 मिनट का समय मिला हुआ है, ठीक है, 30 क्वेश्चन है तो भी आपका 20 मिनट का समय मिला हुआ है। यानी हार्ड क्वेश्चन के लिए तो उतना ही समय जितना कि हमें परीक्षा में मिला होता है, और जो कि आसान प्रश्न है उनके लिए समय की सीमा कम है प्रश्नों के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके का आपका टेस्ट डिजाइन किया गया है। सर सारा टेस्ट डिजाइन करते हैं, सर बताइए आप किस आधार पर अपना टेस्ट बनाते हैं, किस तरीके से आप क्वेश्चन एग्जाम के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं, और क्या मतलब कैसे करना चाहिए बच्चों को टेस्ट, क्या ये जो तरीका है जो आप जिस तरीके से आप टेस्ट ले रहे हैं अभी ऐप के अंदर उसी तरीके से आप तैयारी मतलब उससे सक्सेस हो जाएगा क्या स्टूडेंट आने वाले एनटीपीसी के मतलब अपने एएलपी के सीयूटी 1 में? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये जो टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चल रही है इसमें क्या है ना कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है ना, या मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे आरआरबी ने अभी तक पूछे हुए क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग जो हम लोग टेस्ट बना रहे हैं वो उसी सेम उसी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। अच्छा, उसका जो लेवल यों है, हम लोगों का लेवल थोड़ा यों रहता है, वैल्यू को थोड़ा टफ करके बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको क्यों, क्योंकि आगे दिक्कत ना हो, अगर आगे अब जो एग्जाम का पैटर्न बन रहा है उसमें क्या है ना कि वैल्यू को बड़ा डिफिकल्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन वही है, वही चीजें हैं सारी की सारी, बस क्या है ना कि उसी पैटर्न को वो कैलकुलेटिव बना रहे हैं, तो आपको कैलकुलेशन में नहीं फंसना है, ठीक है। अगर हमारी टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हो, आप ऐप में टेस्ट को लगा रहे हो, तो आप बड़ी आसानी से चीजों को कर जाओगे, बशर्ते आपको कंटिन्यूटी अच्छी रखनी है, ठीक है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी उन्हें पता होगा कि कैसे चीजें चल रही हैं, पहले जो चलता है वो कॉन्सेप्चुअल चलता है, उसके बाद अपना जो चल रहा है वो टोटल प्रीवियस ईयर चल रहा है, तो आपको प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। और यहाँ जो हमारे ऐप पे चल रहा है वो टोटल एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो वैल्यू होगी वो थोड़ी कैलकुलेटिव वैल्यू रख रहे हैं, तो हम आगे आने वाली जो हमारी परीक्षाएं हैं, कहने का मतलब जो हमारे आगे वाला जो CVT 1 है उसमें हमें दिक्कत ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो बाकी का सर अब आगे बताते हैं,
अच्छा सर का जो सेक्शन रहता है वो तो बाद की बात है, पहले आपको ये क्लियर करना है। जब ये क्लियर नहीं कर पाए फिर तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, किसी कंडीशन पे आगे नहीं बढ़ सकते हो। अच्छा तो सीबीटी क्लियर, सीबीटी फर्स्ट क्लियर करना ही करना है आपको हर कंडीशन पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको बेस्ट स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, ठीक है। और हाँ मेन चीज है प्रैक्टिस, पढ़ना तो सबको ही है लेकिन प्रैक्टिस, जो बच्चे अच्छी प्रैक्टिस करते हैं निकालते वही हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे क्या है ना कि सबसे ज्यादा मैथ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो मैथ की टेंशन छोड़ दो बिल्कुल भी। बस सुनिए सर, अभी मैं आपको बच्चों ध्यान से सुनना, अभी हमारे पास मैथ की तीन टीचर क्लास ले रहे हैं इस समय। मॉर्निंग में हमारे गोविंद सर क्लास ले रहे हैं, गोविंद सर डिटेल के साथ में एक्सप्लेन करके एक एक चीज़ को बायलिंगुअल तरीके से इंग्लिश में हिंदी में सब तरीके से समझा के चलते हैं। फिर इसके बाद में विपिन सर, क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर हैं, इनके हाथ में बहुत बड़ी कमान सौंपी गई है। सर इस समय फाउंडेशन बैच के विशेष तौर पर तैयारी करा रहे हैं और इसके साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे सारे आपके क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। सर आपके हिसाब से कितनी पोस्ट आ सकती है एएलपी? मैं आपको एक और बात बता दूं, आपने जब इतना बड़ा प्रश्न पूछा है, जो बहुत दीनू भाई इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं, पिछला जो हो चुका है, घटित हो चुका है। 2018 में जब ये वैकेंसी आई थी एएलपी 01/2018, तो ये जब वैकेंसी आई थी तो इसमें 26,000 पोस्टों के लिए कहा गया था भाई कि 26,000 पोस्टें आएंगी, है ना। चलो ठीक है, पोस्ट का उन्होंने बोल दिया, लेकिन उस समय पे मैंने सभी बच्चों से कहा था कि नहीं ये 60,000 पोस्टें हैं, है ना, 26,000 सॉरी, है ना, ये 60,000 पोस्ट हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, 60,000 पोस्टें उन्होंने 6 महीने के बाद 60,000 कर दी, कितने महीने के बाद? 6 महीने के बाद। कहीं ना कहीं हम भी रेलवे से जुड़े हुए हैं, समझो जरा इस बात को। मेरे दादाजी रेलवे में थे, पिताजी रेलवे में हैं, ताऊजी रेलवे में, ब्रदर रेलवे में हैं, और कई रिलेटिव ऐसी जगह पोस्टेड हैं जहां पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि वैकेंसी कितनी आने वाली है, किस तरीके से आने वाली है। सारा प्रिंटिंग का काम मुंबई से होता है, मुंबई से सारी चीज़ें रिलीज होती हैं। प्रिंटिंग का काम मतलब समझ रहे हो, ऑफिशियल जो पेपर होता है वो प्रिंट वहीं होता है और सारी खबर वहीं से आती है, और सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट जो मानी गई है इंडियन रेलवे के अंदर वो मुंबई की मांगी गई सारी चीज़ें। अब 60,000 पोस्टें जब आई, 60,000 पोस्टें ऑफिशियली अनाउंस कर दिया वैकेंसी आने के 6 महीने के बाद में, आज 2022 में जनवरी का, मतलब एक महीने पहले का जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, 78,000 पोस्ट फिल की जा चुकी हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। 78,000 पोस्ट 2018 की वैकेंसी की फिल की जा चुकी है, इस वाली वैकेंसी की। अब आप सोचिए वैकेंसी 26,000 की निकाली, फिल कितना कर दिया गया 78। ये पहली बार नहीं हुआ रेलवे में, मैं इससे आश्चर्यचकित नहीं हूँ कि 2014 में भी इन्होंने ऐसे ही किया था, फिर निकाली 13-14,000 वैकेंसी, भर आ जाके 33,000, ऐसे ही उन्होंने 11 में किया था। ये इनका हिसाब ऐसा ही रहता है, मतलब ये हिसाब किताब नहीं लगाते हमें कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है, ये वैकेंसी निकालने विश्वास रखते हैं, उसके बाद में फिर ये लोग डिसाइड करते हैं। अब देखिए भाई, इस बार जो वैकेंसी आने वाली है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, इस बार जो वैकेंसी आने वाली है वो देंगे, हो सकता है वो आंकड़ा आपका 35,000 के लमसम दे दें, हो सकता है वो 40,000 भी आंकड़ा दे दें, हो सकता है वो 60,000 भी आंकड़ा दे दें, लेकिन मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, स्टाम्प पेपर पर आपको लिख करके दे रहा हूँ, ये वैकेंसी 90,000 पदों को फिल करके जाएगी, 90,000 पद वो फिल करके जाएगी। और ये एक दिन के लिए वैकेंसी नहीं निकली कि भाई एक दिन, एक महीने या एक साल के लिए होगी, भाई ये जो वैकेंसी इस बार जो आएगी ना, ये लगभग 4-5 साल तक, 4-5 ईयर तक के लिए रेलवे क्या करेगी, इस वैकेंसी को लेगी, जो कि हो सकता है 01, क्योंकि जैसे आसार बन रहे हैं 01 और 2022 के आसार बन रहे हैं, कैटेगरी नंबर यही दिया जाएगा, कैटेगरी नंबर यही दिया जाएगा अगर इस साल निकालनी है। हो सकता है ये वैकेंसी 01/2023 कर दें,
23 कर दे, लेकिन इसके जो चांस है बहुत कम है। अगर 23 करते हैं तो 2018 से 23 तक का आप समय देख लेंगे तो लगभग 5 साल के ऊपर की कहानी को ये बयां कर रहे हैं। ऐसा होना संभव नहीं, असंभव हो जाएगा, क्योंकि ऐसे में रेलवे के सामने बहुत विकराल स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, अभी 73,000 बच्चे भर लिए जा चुके हैं 2018 की वैकेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा सर, धन्यवाद सर मेरे, ज्यादातर वैकेंसी के लिए। हाँ, मैं वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ। क्या आप इन 90,000 पोस्टों को, पोस्टों में एक पोस्ट आप अपने लिए तैयार करना चाह रहे हैं? और अगर आपके दिमाग में, आपके मन में या आपका एक टारगेट है 90,000 पोस्टों में एक पोस्ट लेने का, तो क्या आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं? और अगर आपका जवाब है कि मैं आज की डेट में मेहनत नहीं कर रहा हूं या मुझे अभी मेहनत नहीं करनी चाहिए, तो आपके की बदले की मेहनत कोई ना कोई और कर रहा होगा और वो रेलवे में सेलेक्ट होगा, 101% होगा। ठीक है, पिछली बार 48 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, पूरा डाटा है मेरे पास, मैं बिना डाटा के बात नहीं करता हूँ, बिना डाटा के बात नहीं करता हूँ, पूरा डाटा है मेरे पास। तो उनमें से केवल कितने बच्चे लिए गए? 73,000, यानी लगभग कहा जाए 40 में से एक बच्चा भी नहीं बैठ रहा है ना, मतलब। तो कुल मिलाकर कहा जाए बाकी जो 39 बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं बाहर हैं, आज भी इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाए। तो अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप 90,000 पोस्टों में एक पोस्ट अपनी चाहते हैं, सिर्फ एक पोस्ट अपनी चाहते हैं, तो आज से पढ़ना पड़ेगा सीवीटी वन के अंदर आपको 70 से 75 नंबर लाने वाली तैयारी करनी पड़ेगी। 70 से 75 आपके मन में जब आप टारगेट बनाएंगे ना, 70 नंबर लाने का, 75 नंबर लाने का, तब जाकर के आपके कुछ नंबर आ पाएंगे जिनसे कि आप सेलेक्ट हो पाएंगे। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर कट ऑफ कितनी जाएगी, मैं आधे से ज्यादा आंकड़ा वहीं लगा लेता हूँ कि भाई इसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये मिनिमम को स्कोर मान करके ही अपनी तैयारी करेगा। जब मिनिमम को स्कोर मान के तैयारी करेगा कि मैं इतने ले आऊंगा तो हो जाएगा, तो भाई साहब उसका कभी कुछ नहीं होने वाला। बेरोजगारी आप जानते हैं चरम पर है, बीटेक वाले भी आपकी वैकेंसी को लेने के लिए तैयार हैं, बीटेक वाले भी इसी वैकेंसी के लिए तैयार हैं कि हमें जेई नहीं मिले, हमें लोको पायलट मिल जाए, जेई से ज़्यादा वेतन हमें लोको पायलट में मिलेगा। अरे तुम्हारे पास इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन, इतनी अच्छी डिग्री, इतने अच्छे डिप्लोमा, इतना सब कुछ करके आप आईटीआई करके आ गए हैं फील्ड में, तो कम से कम अब तो पढ़ लो। अगर आपने दिमाग में लगा लिया कि नहीं हमें अब पढ़ना चाहिए, हमें अब रेगुलर तैयारी करनी चाहिए, तो देखो हमने क्या कर रखा, टीम भी सॉलिड तैयार की हुई है। अभी जैसे बाबा सर से आपने मुलाकात की, बाबा सर जैसे टीचर आपको मुझे नहीं लगता कि कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार से मिल सकते हैं, मुझे नहीं लगता। हाँ वो बात लगे कि आप में से काफ़ी लोग सोच रहे हो हाँ सर मिल जाएगा ऐसा बस, तो ये वाली बात आपके दिमाग में आ सकती है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ ALP के लिए बाबा सर बेस्ट हैं, जो कि आप 10 नंबर का मामला यहाँ पर। इसके साथ साथ अब मैं आपको बताता चला जाता हूँ मेरी टीम में कितने लोग हैं और हम किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, स्टडी प्लान क्या है। बाकी मेरे ऊपर तो आप सभी विश्वास करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को सभी जानते हैं, लेकिन मेरी टीम से शायद काफ़ी लोग वाकिफ नहीं होंगे। ये हैं शिवम सर, जो कि कहीं ना कहीं आपकी तैयारी करा रहे हैं, किसकी? फिजिक्स के न्यूमेरिकल पोर्शन की। ये हैं शिवम सर, फिजिक्स की तैयारी करा रहे हैं सर, मैथ की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है, मैं तो हुई बाबा सर GS की तैयारी करा रहे हैं, है ना, जनरल स्टडी की तैयारी कर रहे हैं सर, मैथ की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग, करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर्स की भी क्लास आपकी रेगुलर चल रही है। तो आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे टीम बहुत स्ट्रांग है। इसके साथ साथ रही बात, मेरा चेहरा आपको दिख ही रहा है इस टीम के बीचों बीच, तो आप ध्यान रखिएगा ट्रेड थ्योरी के लिए और चीज़ों के लिए और क्या प्लानिंग होगी उसके लिए, आप मेरे पास हैं, सुरक्षित हाथों में, ठीक है। अच्छा सर, मेरिट क्लियर हो अगर मेडिकल ALP में फेल हो जाए तो टेक्नीशियन मिलेगा क्या? बेटा तुम नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, है ना, मेरे हिसाब से सुनो मेरी बात। इसके विषय में मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि अगर मान लीजिए किसी कारण से आप फेल हो जाते हैं, मेडिकल फेल हो जाते हैं या किसी और कारण से फेल हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, तो किस आधार पर आपको मेडिकल में फेल किया गया है, उस आधार के अकॉर्डिंग आपको रेलवे जो आपके भर्ती बोर्ड रहते हैं
वहाँ के चेयरमैन होते हैं उनको बाकायदा आपको लेटर लिखना होता है, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे तो ऑफिशियली रेलवे ही कर देती है, लेकिन नहीं अगर ऐसा नहीं हो पाता तो आप ऑफिशियली लेटर दें कि सर मेरे टेक्निकल में इतने इतने मार्क हैं और टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हूँ, कृपया करके मेरे लिए व्यवस्था की जाए, तो उसकी व्यवस्था होती है, कुछ सीटें आपकी खाली रखी जाती हैं इसीलिए, ठीक है, उसका 10% कोटा लगभग खाली रखा जाता है। वैकेंसी आएगी ही, क्या करें, वैकेंसी तो आएगी ही सही, आपको पढ़ाई करनी है। अब ध्यान सुनो, 90,000 पोस्टें भरी जाएंगी, ये 100% 101% स्टाम्प पेपर गारंटी के साथ में है, 90,000 पोस्टें इस बार भरी जाएंगी, रेलवे लोको पायलट के लिए आप कमर कस लें और इतनी पोस्टें भरी जाएंगी। वैकेंसी हो सकता है इस पर भी निकाल दे, हो सकता है इस पर भी निकाल दे, होता है। अभी 2018 का मैंने आपको बता ही दिया आंकड़ा कि उन्होंने 73,000 पद भरे हैं, यार जितना निकाला नहीं उससे कई गुना ज़्यादा भर दिया, तो ये तो, और फिर दूसरी बात डिमांड भी होती ना, एक बहुत बड़ा एरिया जो है, आज से 35 साल पहले रेलवे में वैकेंसीज इतनी नहीं भरी गई थी ना, 35 साल आज से 35 साल पहले भरी गई थी, बीच में नहीं भरी गई थी, ठीक है, तो अब ये जो बीच में जो आज मतलब पुराना अगर आंकड़ा देखें तो उसके रिटायरमेंट हो रहे हैं, अभी धड़ाधड़ रिटायरमेंट हो रहे हैं, और आने वाले 5 से 7 सालों तक इतनी जबरदस्त वैकेंसी है, 13 लाख कर्मचारी नॉर्मली वर्किंग के लिए चाहिए, वो नहीं है रेलवे के पास में, अभी केवल 10 लाख हैं। रेल मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि हमारे पास 3 लाख कर्मचारियों की कमी है, 3,02,000 अगर NTPC और ग्रुप डी दोनों के कर्मचारी जोड़ लिया जाए फिर भी 1,40,000 पद खाली पड़े हुए हैं। अब 1,40,000 पदों में कौन से पद खाली पड़े हैं जरा देख तो लो आप एक बार, किसके हैं, टेक्नीशियन के, बिना टेक्नीशियन के ट्रेन चलेगी, बिना लोको पायलट के ट्रेन चलेगी क्या, गुड्स गार्ड ये लेकर के आ चुके हैं और क्या ग्रुप डी कैंडिडेट आप ये लेकर के आ चुके हैं, किसकी जरूरत अब बाकी रह रही है, अब बाकी रह रही है किसकी, लोको पायलट। अच्छा 2018 की जो वैकेंसी थी फिर वो क्या था, 2018 की वैकेंसी थी पिछला जो साइकिल कंप्लीट हुआ था वो वैकेंसी थी, ठीक है, अब जो नया साइकिल घूम रहा है इसमें NTPC हो चुका है, ग्रुप डी हो चुका है, तो अब नंबर आता है जयन की और रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन का, तो ये साइकिल घूम करके दोबारा से आ रहा है ना, तो ये साइकिल में ये वैकेंसी आएगी, इस साल ही आपको देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन इनडायरेक्ट में अगर ये 2023 में जाती है तो इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। अगर हम यहां से यहां के बीच का देखें तो हमारे पास 11 महीने हैं, इन 11 महीने में आप क्या कर सकते हैं अपने लिए कि CVT 1 को आप प्रॉपर वे में कर लें, क्लियर हुआ होगा, अब आपको काफी सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अब CVT 1 के लिए मैंने आपको प्रॉपर वे में प्लान बता दिया है कि आपको टेस्ट लगाना है, हमारी डेली 5 क्लास होती हैं और 5 क्लासों के 5 टेस्ट डेली दिए जाते हैं, एक वीक में आपका एक लॉन्ग टेस्ट होता है, फुल लेंथ टेस्ट होता है, वो आपको कंप्लीट करना है। डेली अगर आप 5 टेस्ट दे रहे हैं तो महीने के आप 150 टेस्ट दे रहे होते हैं, 150 टेस्टों से गुजर रहे होते हैं, पढ़ाई वीडियो देखने से भी होगी, PDF पढ़ने से भी होगी, लेकिन दुगना जो परिवर्तन देखने को मिलेगा वो टेस्ट को देने पर मिलेगा। किसको देने पर मिलेगा, टेस्ट, क्या आप टेस्ट दे रहे हैं, क्या आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आपने जो पढ़ाया उस चीज़ को आप जांच रहे हैं, आप फिजिक्स की न्यूमेरिकल कर रहे हैं लेकिन उनका टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो सब बेकार है। अगर आप ट्रेड पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो सब बेकार हैं। अगर आप मैथ रीजनिंग जनरल साइंस पढ़ रहे हैं और इसका टेस्ट नहीं दे रहे हैं सब बेकार है। तो कुल मिलाकर के आप टेस्ट दीजिए और टेस्ट का ज़माना आ चुका है, ठीक है। अब कई बच्चे मेरे पास आते हैं, सर हमें केवल टेस्ट सीरीज दे दो। भाई टेस्ट सीरीज नहीं मिल पाएगी, क्यों, क्योंकि हम पहले वीडियो लेक्चर बनाते हैं, देते हैं आपको, उसका PDF देते हैं, उसके बाद में हम आपको टेस्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चे को अंदर से मजबूत बनाया जा सके। बाहर से मजबूत तो आप बन जाओगे, दिखावटी रूप से आपका दिख रहा है कि आपने पढ़ाई कर ली, आपने 5 घंटे पढ़ाई कर ली, आप खुद भी सेटिस्फाई हो जाओगे हमने 5 से 6 घंटे पढ़ाई कर ली, लेकिन अगर आप टेस्ट दोगे और टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो इसका मतलब आप आंतरिक रूप से मजबूत नहीं है। तो आपको आंतरिक रूप से अगर मजबूत होना है तो रेगुलर आपको टेस्ट देने पड़ेंगे और डेली टेस्ट देने पड़ेंगे। एक टेस्ट में 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, लेकिन 20 से कम नहीं रखे गए हैं। अच्छा, और समय भी क्या होगा, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही रखा गया है, इससे अधिक समय आपके लिए नहीं दिया गया है। तो समझ गए होंगे आप सभी मेरे बात को, पूरी तरह समझ गए होंगे जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस समय पर। मैं उन सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि आप
पढ़ाई चालू कर दें। आज आप एएलपी की तैयारी नहीं कर रहे, दिमाग से निकाल दो एएलपी। आप 5 करोड़ का जो इंजन होता है, आज से 7-8 साल पहले की वैल्यू बता रहा हूं, आज के टाइम में तो 8-10 करोड़ का लगभग हो गया वो मामला। आप 7-8 करोड़ का जो इंजन है रेलवे का, आप उसके अंदर हैं, और आपके हाथों में कितनी बहुमूल्य जाने हैं, आपके पीछे 21 बोगी लगी हुई हैं, आप उन 21 बोगी के एक अकेले जिम्मेदार व्यक्ति होंगे जो कि एक जगह से दूसरी जगह उन्हें पहुंचा रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए आपको कितना बड़ा पद मिलने वाला है। अगर आपको रेलवे पैसा दे रही है तो पैसा आपको इस बात का दिया जा रहा है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आपको पर किलोमीटर का माइलेज मिल रहा है तो इसका मतलब आपके ऊपर जिम्मेदारी है। फ्री में पैसा रेलवे या फ्री में पैसा इंडियन रेलवे या गवर्नमेंट आपको नहीं दे रही है। 70,000 नॉर्मल सैलरी बनेगी पहली, 70,000 नॉर्मल सैलरी इतनी जेई की भी नहीं बन रही इस समय पर, और मैक्सिमम की तो सीमा नहीं है 90,000-80,000। अगर एक लोको पायलट रिटायर्ड होता है और एक तरफ उस रेलवे का DRM रिटायर्ड होता है, तो अगर पैसा जिसका सबसे ज्यादा बनेगा वो बनेगा लोको पायलट का। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अगर मूल्य के आधार पर देखे जाए, पैसे के आधार पर देखा जाए, तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी पोस्ट है, आपके सपनों को सच कर सकती है, आपके आने वाली 7 पीढ़ियों की दिशा को बदल सकती है, दशा को बदल सकती है ना। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि लोको पायलट की तैयारी आप पूरी जी जान के साथ करें। आज से पहले क्या हुआ करता था, 2018-19 में भी क्या हुआ करता था, असिस्टेंट लोको पायलट के बेटे को असिस्टेंट लोको पायलट बना दिया जाता था। लेकिन मोदी गवर्नमेंट के आने पर यह थोड़ा सा अच्छा हुआ है कि असिस्टेंट लोको पायलट के बेटे को अब असिस्टेंट लोको पायलट नहीं बनाया जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? आधे से ज्यादा पद तो अंदर ही बढ़ जाते थे, बाप रिटायर्ड हुआ, बेटे को ले लिया, काम खत्म। तो मैं ये सब बातें कहां मालूम होगी, ये बातें मुझे मालूम है, मैं आपको बता रहा हूं। अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी है इस समय पर। ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये नंबर वास्तविक है, इतना भरा जाएगा, कन्फर्म है, 101% भरा जाएगा। स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे दूं, ये भरा जाएगा। 73,000 अभी भर दिया यार 18 की वैकेंसी में, और कहां जाओगे अब आप? 73,000 पद भरे जा चुके हैं, आप सोचो जरा। और आप लोग ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा BTEC किए हुए हो, और अगर आप इस वैकेंसी में अगर बेरोजगार रह गए, तो ये आप अपनी काबिलियत को ना साबित करने की वजह से बेरोजगार रह जाएंगे। आपके लिए गवर्नमेंट क्या नहीं करेगी, गवर्नमेंट इससे अच्छी वैकेंसी नहीं ला सकती आपके लिए। और धक्के खाने तो खा लो, प्राइवेट सेक्टर में जाओ, 8 से 12 घंटे नौकरी करो, 7 से 10,000-15,000-20,000 पेमेंट मुश्किल से उठा पाओगे, और उसके बाद में घर गृहस्थी किस तरीके से चलती है आप सभी लोग जानते हैं। इसमें मेरे को बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेट्रोल का रेट आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, गैस का रेट आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। ये हमारे देश में पैदा नहीं होने, मतलब पैदा होने वाला गेहूँ नहीं है ये, जिसकी कीमत 20 रुपये किलो होगी, ये बाहर से इम्पोर्ट किया जाने वाला मटेरियल है, इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, महंगाई को देखो, अपनी स्थितियों को देखो, अपने आसपास के परिवेश को देखो, तैयार हो जाओ, कमर कस लो। हाँ, जहां मेरी बात आ जाएगी, थ्योरी आंख बंद करके विश्वास कर लेना, थ्योरी का किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आप थ्योरी में पार्ट बी में आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं हुआ, मैं दे रहा हूं ठोक के गारंटी, आपको पार्ट बी में कोई फेल नहीं कर सकता रेलवे लोको पायलट के अंदर। बस शर्त क्या है, आपने मेरी क्लासें मिनिमम से मिनिमम भी 6 महीने तक अटेंड की हूं, 3 महीने तक अटेंड की हूं, इतनी भी अगर आपने सुनी भी होंगी ना, लर्न केवल आप कानों में सुनी होंगी क्लासें, तो भी मैं आपको लोको पायलट बना दूंगा। लेकिन अगर आप क्लास में ही नहीं आओगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हाँ, अगर 12 महीने आपने क्लास में आकर के पार्ट बी को दे दिया, तो आप किसी भी एग्जाम को, एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आप उसमें से एक सीट निकाल ले आएंगे। लेकिन लोको पायलट के लिए आप 3 से 5 महीने आप मुझे दे दो, 6 महीने दे दो मैक्सिमम, इतने में आपको मैं थ्योरी में क्वालिफाई करा दूंगा। कोई भी ब्रांच हो जो मैं पढ़ाता हूँ, जो ब्रांचें आप सभी को मालूम है मैं कौन कौन सी ब्रांचें पढ़ाता हूँ, इसके साथ साथ मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ साइको की, मैं इतनी गारंटी कोई नहीं भरेगा, इतना हुंकार कोई नहीं भरेगा। साइको
30 आउट ऑफ 30 की तैयारी करा रहा हूँ इस समय पे। गुस्सा भी आ जाती है मेरे को साई को पढ़ाते टाइम। काफी सारे बच्चों से बोलता हूँ बेटा कम क्वेश्चन करना, 12 क्वेश्चन दिए तो 12 के 12 मत करना बेटा, 7 ही करना। लेकिन बेटा भी होशियार है, 7 नहीं करेगा वो पूरे 12 करेगा। अब मैं 7 क्यों बोल रहा हूँ, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वो गलती ना करे, क्योंकि गलती करने की अगर आदत एक बार पड़ जाती तो फिर भूलता नहीं है। लेकिन वो तो भाई बेटा तो बेटा है, वो थोड़ा सा टेढ़ा चलेगा ही चलेगा, क्या करता है 12 में से 3 गलत कर देता है, 3 गलत कर देता है। अब 3 गलत कर देता है तो कहां पे आंकड़ा आगे गिरा 9 पर। तो मैं तो 7 करने के लिए बोल रहा था, उसने 12 किए तो उसने मेरी बात नहीं मानी तो गड़बड़ कर रहा है वो। तो 7 से चलना सिखाता हूँ भैया, धीरे धीरे चलना सीख, उड़ मत, धीरे धीरे कंट्रोल में रहे, कंट्रोल में। तो इतना कुछ कंट्रोल करते हैं उनके ऊपर फिर भी नहीं मानते। जो लोग बात मानते हैं वो 7 से 8 पर भी आते हैं, अगले दिन दूसरे दिन 9 पर आते हैं, तीसरे दिन 12 में से 12 करते हैं, दोनों सेट लगाते तो 24 में से 24 भी करने वाले बच्चे निकल करके आते हैं। और धीरे धीरे 6 महीने में जो भटक रहा होता है वो भी रास्ते पर आता है और 24 में से 24 ही कर देता है। तो मेमोरी टेस्ट हो जाता है, ब्रिक टेस्ट 50 में से 50 बच्चा पे तुरंत ही 7 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। यस नो 96 96, एक आध गलती हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा होती है इसमें, 11 के बाद में अगर एक क्वेश्चन गलत होता तो गलती नहीं मानी जाती। तो यस नो टाइप टेस्ट हो जाता है। फाइंड 6 है टेस्ट 70 72, मैचिंग फिगर मैचिंग टेस्ट 70 out of 72 नंबर के हो जाते हैं। यानी कि हम जो मैं जो तैयारी कर रहा हूँ साइको की, वो साइको की तैयारी प्रत्येक टेस्ट में 6% मार्क्स आएंगे ही आएंगे। और टेस्ट कितने होते हैं, 5 टेस्ट होते हैं, यानी जो साइको का पेपर होता है वो 30% मार्क देता है, 30% मार्क देता है। ये 30% मार्क आपके आएंगे ही आएंगे साइको में, और प्लस पार्ट ए का फुल नंबर आपको यहां पर मिल जाएगा, जो भी आप करके आए होंगे वो। जब ये दोनों जुड़ते हैं इसमें से 30 की जिम्मेदारी ले रहा हूं, नंबर काटने का काम ही नहीं है यहाँ पर भैया। अभी से साइको पढ़ रहे हैं, एक साल तक नेट साइको ही साइको पढ़ना है, इतनी प्रैक्टिस करनी कि आंख बंद भी कर लो ना तो भी साइको करेक्ट होना चाहिए, समझ रहे हो। दुनिया समझेगी आपने आंख बंद कर ली, लेकिन आप पूरा याद कर चुके होंगे उस देर में। तो भैया ध्यान रखो, पढ़ाई तुम्हें करनी है, पढ़ा मैं सकता हूँ, याद तुम्हें करना है, मैं टीचर ला सकता हूँ, मैं 12 घंटे क्लास लगा सकता हूँ, आपको 12 घंटे बैठना पड़ेगा। हाँ, एक और समस्या है आजकल कि भाई सर हमारा तो नेट खत्म हो जाता है, हमारा तो रिचार्ज। अरे भैया रिचार्ज भी मैं करवा दूंगा, आप टॉप तो लेकर के आओ। मेरे यहाँ जो टेस्ट होते हैं, अभी 12 तारीख को टेस्ट रखा है, उसमें जो भी टॉप बच्चे आएंगे उन सभी को एक साल का रिचार्ज दिया जाएगा 2GB का, जो टॉप करेगा, जो सेकंड नंबर पे रहेगा उसको 1.5GB का रिचार्ज ये भी दे रहे हैं, और क्या करें। लेकिन पढ़ो तो सही, पढ़ने वालों के लिए कोई कमी थोड़ना है। और फिर अगर अभी तो आप घर पर बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, ना रूम लेना है ना कुछ लेना है, रूम लेते तो 1200-1300 रुपये आप वहाँ पर भी देते मिनिमम, बिल्कुल बेकार रद्दी से रद्दी लेते तो 1200-1300 रुपये का अगर आप रिचार्ज करा रहे हो, तो रिचार्ज इतने भी महंगे नहीं है कि आप 1200-1300 का रिचार्ज होता हो। खाने पीने की समस्याओं से लेकर आवागमन की समस्याओं से लेकर पेट्रोल के खर्च से लेकर के बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी अब समाप्त हो रही। लेकिन ऑनलाइन में अब देखो क्वालिटी अगर वीडियो में नहीं आएगी, आप मुझसे बात कर रहे हो तो उसके लिए भी क्या लगता है डेटा खर्च होता है। तो डेटा अगर खर्च हो रहा है तो इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी की वैल्यू आप अगर ऑफलाइन पढ़ रहे, और ऑफलाइन से ज़्यादा मज़ा नहीं आ जाए तो पूरी फीस वापस कर दूंगा मैं आपकी, समझ रहे हो मेरी बात। ऑफलाइन से ज्यादा मजा आता है मेरी क्लास में, क्यों आता है, बच्चा फेस टू फेस बात करता है अपनी रीजनल लैंग्वेज में। महाराष्ट्र का हूं सर मैं, सर हिंदी नहीं आ रहा समझ में, थोड़ा सा इंग्लिश में बता दो सर, तुरंत ही अपना वे ऑफ टॉकिंग चेंज कर देते, तुरंत इंग्लिश में ट्रैक कर चेंज कर देते। सर मैं इंग्लिश में, अब मेरे को क्वेश्चन में यहां पर ये स्क्वायर कैसे लिया सर, ये यहां क्या हुआ, तो कुछ चीजें होती बच्चों को नहीं याद। यार बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होता है ये, इस तरीके से होता है, हमने पिछली क्लास अटेंड नहीं की। इस टाइप के जब मैं वर्डिंग सुनता हूँ ना, मेरा भी सिर्फ दिल है ना एकदम गदगद हो जाता है, छाती एकदम फैल जाती है कि हाँ प्रत्येक बच्चे को एक सही तरीके की एजुकेशन मिल रही है आज ऑनलाइन के माध्यम से। मैं उन दूसरी कोचिंगों की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनसे भी कह रहा हूं कि आप भी थोड़ा सा जो आजकल डिजिटलाइज जो हुआ है उसमें थोड़ा परिवर्तन करें, और ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो उनका उपयोग करें।
बच्चों को हाथ में दें, बच्चा हैंड रेस करे तुरंत बच्चे का जवाब आप दें। क्लासरूम में टीचर इतना मजबूत होना चाहिए कि सामने वाले बच्चे ने जो क्वेश्चन किया है, एनीथिंग, कोई भी क्वेश्चन किया हो, वो टीचर उसका क्या कर सके, जवाब दे सके। मेरे पास वो टीचर मौजूद है, आपके प्रत्येक प्रत्येक सवाल का पूरा पूरा जवाब मिलेगा। और मेरी क्लास से जितने भी बच्चे आए हो, जितने भी बच्चे मेरे साथ यहाँ लाइव जुड़ते हैं, एक भी बच्चा खाली हाथ नहीं जाता। अगर उसने हैंड रेस किया है तो सिंगल वन बच्चे का भी हैंड रेस लिया जाता है। पहले मैंने हैंड रेस जब चालू किया था तब मैं इसी बात से डर रहा था कि ऐसा नहीं हो जाए कि हम इतने सारे बच्चे इकट्ठे कर लें कि हम प्रत्येक का हैंड रेस ना ले पाए। लेकिन आज की तारीख में ये है, एक घंटे की क्लास में 10-12 हैंड रेस बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं। सर यहाँ चिल्लाते रह जाते हैं कि भाई हैंड रेस करो, अपना क्वेश्चन पूछो, अपना डाउट क्लियर करो, तब जाकर के एक आध कोई बच्चा आ जाता है कि वो अपना डाउट क्लियर करता है। वरना सर यहाँ से इतना अच्छा पढ़ा रहे होते हैं कि एक एक बच्चे को, चाहे वो किसी भी हिंदुस्तानी किसी भी कोने में बैठा हो, हर बच्चे को समझ में आ रहा होता है। और सभी लोग ये समझ रहे होते हैं कि हम एक क्लासरूम में बैठे, हम सुव्यवस्थित रूप से बैठे, हम लोग एक साथ बैठे हैं, हम यहाँ पर 500 लोग जो बैठे हुए हैं, हम एक साथ सर की पूरी बात सुन रहे हैं और सर के पूरे जवाब दे रहे हैं। तो इस तरीके की हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। हम लोग ऑनलाइन को एक तरीके से ऑफलाइन के समान ही चला रहे हैं। आपके प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब यहाँ से दिया जाता है। तो मजबूत टीचर आप लोगों के बीच में ला चुके हैं। 8-10 घंटे 12 घंटे की क्लासें मिल रही हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तीन, अगर आप इसको मिनी IAS RAS समझो, रेलवे लोगों पायलट की जॉब नहीं है ये, दिमाग से निकाल दो पुराना 2011 2014 2018 निकाल दो, तुम्हारे भाई कैसे सेलेक्ट हुए थे निकाल दो दिमाग से। अब आज से ये सोचना शुरू कर दो कि NTPC का इतना बुरा गजब हाल हुआ है, कहीं ऐसा नहीं हो ये हमारे साथ। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, मैंने आप सभी से कहा था कि इस बार रेलवे सिर्फ उतना रिजल्ट निकालेगी जितने बच्चे वो लेगी, इस बार वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेगी। ये बच्चों को धोखे में नहीं रखा गया 4-4, 5-5 साल के लिए कि भाई आप वेटिंग में हो आपको ले लिया जाएगा, ऐसा धोखा नहीं दिया गया। रेलवे ने उतने ही कैंडिडेट पास किए जितने की रेलवे को लेने हैं वास्तविकता में। ये अजमेर बोर्ड ने आज से 15 दिन पहले क्लियर कर दिया था, दिसंबर के महीने के अंदर ही, कि हम केवल उतने ही बच्चे लेंगे जितने की हमारे को लेने हैं। तो समझो मेरी बात को इन सब चीजों पर। हाँ सर ऐप पर लाइव नहीं बेटा, ऐप पर इस समय ये यूट्यूब पर ही लाइव दे रहा हूँ, उस समय पे ऐप मैंने इस समय लाइव नहीं किया हो, क्योंकि ऐप में क्या होता है बच्चा क्वेश्चन पूछता है और मुझे उसका एड्रेस लेना ही पड़ेगा उस समय पे। ये यूट्यूब पर उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं अपनी दिशा से भटक चुके हैं। तो भाई बाबा सर अब इस क्लास का क्या करेंगे, एंड करेंगे। सर आ जाइए बाबा सर, कुछ एक डायलॉग या कुछ ऐसी चीजें आप बच्चों को दोबारा सुना दें जिससे कि बच्चों का एक बार एकदम जोश बढ़ जाए, कि कुछ ऐसा हो जाए कि बच्चे एकदम मतलब एक एक मतलब हाँ पढ़ाई से रिलेटेड ही बोलना है सर जितना भी हो, क्योंकि अपन लोगों का बस नियम यही है कि हम पढ़ाई से रिलेटेड ही बात करते हैं। हम ज़्यादा उल्टी सीधी बात करके एक पब्लिक को इकट्ठा, मतलब हम वो मदारी नहीं है कि जो डमरू बजाएंगे और सारी भीड़ को इकट्ठा कर लेंगे, वाली बात नहीं है, हम लोग पढ़ाएंगे सिर्फ। जैसा कि बात की जाए, भारत एक विशाल देश है, बड़ा देश है, और क्षेत्रफल के आधार पर इसका 7वां स्थान है, चूँकि मैं बता चुका हूँ आपको भी नॉलेज होगी। लेकिन जनसंख्या के आधार पर बात की जाए तो इसका दूसरा स्थान है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात आती है कि अगर बात की जाए विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है, और चीन के बाद अगर बात की जाए तो अपना भारत आ जाता है, उसके बाद US ऑस्ट्रेलिया। लेकिन एक ट्विस्ट इसमें यह आता है कि उत्तर प्रदेश जो है ना, उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो भाई इसकी जनसंख्या 5वें स्थान पर आती है। तो विश्व में 193 देश हैं, उसमें से अपना एक प्रदेश इतना बड़ा है कि वो 188 देशों से बड़ा है। ये स्टैटिक जीके बोलते हैं इसे। और कभी कभी क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो सबसे लंबी तटरेखा जो है गुजरात की है, 1214.7 किलोमीटर है। और कई बार क्वेश्चन नेशनल पार्क वगैरह से पूछे जाते हैं, और आपका रिलीजन से क्वेश्चन आ जाते हैं। और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, बेटा सारी ट्रेड की थ्योरी चल रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से ऐप डाउनलोड करो बाकायदा। तो आपको सारी अभी 8 बजे क्लास होने वाली है, तो आप लोग आए और क्लास का आनंद लें, कुछ समय बचा हुआ है। सर ध्यान से सुनिए, सभी लोग ऐप डाउनलोड कर लें, ऐप डाउनलोड करने के बाद में वहाँ जाकर के देख लें चीज़ों को। और 1200-1300 रुपए की मासिक एक के मतलब दो किस्तें जमा करनी रहेंगी, 1300 समथिंग की, और 2600 रुपए समथिंग आपका पेमेंट जमा होगा। अगर एक साथ जमा करोगे तो केवल 2500 समथिंग, 10-20-50 रुपए और एक्स्ट्रा हैं उसमें, वो करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरा कोर्स लें ही सही, आप किसी का भी ले सकते हैं ना, लेकिन जहाँ पढ़ाई हो वहीं जाना।
है ना, ऐसी जगह मत उलझ जाना जहाँ पढ़ाई नहीं हो रही हो, जहाँ कम से कम 8 घंटे क्लास चल रही हो, बिना 8 घंटे के पहले तैयारी नहीं हो पाएगी, जहाँ डेली टेस्ट लिया जा रहा हो वहीं पर एडमिशन लेना, गलती से भी ऐसी जगह मत चले जाना जहाँ पढ़ाई नहीं होती हो। और मैं इतनी बात की गारंटी ले रहा हूँ। मैं बताना चाहूँगा कोर्स कैसे ले सकते हैं, तो अपना जो ऐप है जीमेट उसे आप डाउनलोड कर लें एक बार, और ऐप में जाएंगे आप वहाँ से कोर्स को जो है परचेज कर सकते हैं। एक बार दिखाते हैं सर। वैसे तो मैं दिखाने में इतना मतलब इसकी इच्छा एडवर्टाइजमेंट करने नहीं आया था। नहीं, बच्चे चाह रहे हैं तो एक बार सर हमारे कहने पर दिखा दे जरा। मैं रियल में आत्मा से बता रहा हूँ, मैं इस संबंध में कभी सोच के नहीं आया था कि मैं इससे कुछ बोलना है या कोर्स से संबंधित कोई बात मेरे को आज बात करनी। नहीं, मैं कोर्स वगैरह नहीं चाह रहा हूँ कि आप, फिर तो आप ये सोचोगे कि सर ने ना कोर्स बेचने के लिए क्लास ये लगाई, पर नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो मैं पूरी तैयारी में आता, कोई नहीं होती है ना सर, जब तक आप कुछ जानकारी देते रहे तो मैं इसको। आज जो क्लास रहने वाली है इसमें जो है संविधान के बहुत ही अच्छे टॉपिक रहेंगे, जैसे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा आपका, भारत का संवैधानिक विकास हो गया, भारत के संवैधानिक विकास के बाद संविधान सभा पढ़ेंगे, संविधान निर्माण पढ़ेंगे, कैसे निर्माण हुआ, कितने दिन लग गए संविधान बनने में, और आपका कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, नागरिकता भारत की कितने प्रकार से ली जा सकती है, कितने प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है, कोई आंसर बताना चाहेगा कितने प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अच्छा, नागरिकता के बाद हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे, मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या क्या होते हैं, क्या क्या असल में जीवन जीने के लिए हमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद आपका आ जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानेंगे। उसके बाद अपन बढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति जो है सबसे नंबर एक का नागरिक होता है, सबसे बड़ा नागरिक होता है भारत का। उसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद, संसद, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे। इस तरह से सिलेबस जो है बड़ा अच्छे से चलेगा, और जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार से लेकर सारे जो राजनीति व्यवस्था के क्वेश्चन बनते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं, संविधान से, वो आपको जो है एक ही क्लास में आज क्लियर हो जाएंगे। वेल्डर ट्रेड की क्लास कब से शुरू हो रही है? ये चल रही है, क्लास चल रही है, डेली चल रही है। तो आप लोग जो है डेली क्लास लें, और 8 बजे से क्लास जैसा कि संविधान की डेली रहेगी, 8 बजे क्लास रहेगी, 8 बजे, बस 4 मिनट और बाकी हैं, अभी जो है उसके बाद क्लास कंटिन्यू होगी, तब तक आप थोड़ा सा ये तब तक आप जो है अभी सर आपको ऐप दिखाने वाले हैं, तब तक मैं और कुछ बताना चाहूँगा कि अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाए तो कौन सी, बहाव की दृष्टि पे गंगा जो गोमुख से निकलती है सबसे लंबी नदी है, और बाहर से आने वाली सबसे लंबी नदी जो है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र, करीब 2900 किलोमीटर लंबी है, ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है ये, और कई राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। अब अगर बात की जाए स्टैटिक जीके में आपके राज्य राजधानी आ जाती हैं, आपका संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है। देखिए ये आपके कोर्स यहाँ अवेलेबल हैं इस समय पर, एक बार कोर्स को देख लेते हैं, कौन कौन से कोर्स हैं? फिटर, डीजल है ना, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डीजल, इलेक्ट्रिशियन है ना, पीसीएम के लिए भी अवेलेबल है, और भी मैं आपको बताता चल जाता हूँ धीरे धीरे, वायरमैन, RAC, टर्नर, मशीनिस्ट है ना, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे कोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल से अगर कोई डिग्री डिप्लोमा है इनके लिए अलग से प्रोसेस है। क्या है, चीज़ वही पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन क्या है थोड़ा स्तर बड़ा होगा है ना, क्योंकि ताकि आप क्या ना कर सके ITI वाले बच्चे के जो पढ़ रहा है उसका इंटरफेयर, क्योंकि वो छोटे स्तर से उठ के अभी आ रहा है, वो मतलब छोटा पौधा है, आप एक विशाल गाय पेड़ हैं, आपने 4 साल की इंजीनियरिंग की है, वो बेचारा 1.5 साल 2 साल जैसे पढ़ के आया, नहीं भी पढ़ के आया तो कोई वो है, तो
तो ऐसे में क्या हो, थोड़ा सा दिक्कत ना है, दोनों को ही दिक्कत ना है, क्योंकि छोटे उस बच्चे को भी दिक्कत ना है और आप अच्छा पढ़ के आए उनको भी दिक्कत ना है, तो इन दोनों का डाइवर्जन कर दिया गया है, उनको अलग रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल वालों को ये आईटीआई वाली, जिसमें डिग्री और डिप्लोमा जुड़ गया, इसका मतलब आपका डिग्री डिप्लोमा वाला कोर्स लेना है, इलेक्ट्रिकल में डिग्री डिप्लोमा का डिग्री डिप्लोमा अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का डिग्री डिप्लोमा का वो अलग है, पढ़ाई आपको भी ट्रेड की थ्योरी जाएगी, क्योंकि आपका आप जो कैप्चर करेंगे वो आपकी क्षमता क्या है कुछ ज़्यादा है, इसलिए क्या है। और दूसरी बात, एएलपी के साथ साथ आपकी जेई की भी वैकेंसी आ जाती है, तो बीच में जेई की वैकेंसी आने के कारण भी कुछ बच्चे क्या होते हैं, जेई की तरफ घूमना शुरू कर देते हैं, तो उनको क्या होगा, यहाँ पर जो भी हमारा सिलेबस रहता है उसके अकॉर्डिंग वो टॉपिक जेई लेवल से तैयार हुआ, एक ही चीज़ होती है, लगभग जेई और ये दोनों पेपर लगभग लगभग एक जैसे ही है ना, पीसीएम का है, इलेक्ट्रिशियन का है, सारी चीज़ें मैंने अब आपको दिखा दी है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे कोर्सेज मौजूद हैं, आरईसी टर्नर मशीनें सारे के सारे कोर्स मौजूद हैं, आप ले सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारी टीम, हमारे साथ में हिस्सा बन सकते हैं, भाई पढ़ना तो पड़ेगा, तुम ये सोचो कोर्स ले लें और बस अब तो अलादीन का चराग आया रगड़ दें उसको, रगड़ते काम हो जाएगा, नहीं भैया पढ़ना पड़ेगा, आपको रगड़ना पड़ेगा, आपको जो है अपने आप को रगड़ना पड़ेगा तभी काम हो सकता है, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, रात में 12, 1, 2, 3 भी बज सकते हैं, कोई बड़ी बात, आपको जो है उभयचर बनना पड़ेगा, जिस तरह से जो जानवर होते हैं निशाचर बनना पड़ेगा, रात में और दिन में दोनों 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 जगह जगने वाले, ठीक है, निशाचर बनना पड़ेगा। मान के चलिए अगर आप इस वैकेंसी में अगर आपको रात के 2 या 3 भी बज रहे हैं ना, तो आप ये समझ लीजिएगा अब आप पढ़ रहे हैं, अगर आप मतलब रियल में मतलब टेस्ट आपका होमवर्क जो है कंप्लीट नहीं हो पाया, होमवर्क मतलब आपने टेस्ट नहीं दे पाया, आपने सारे टीचर्स का टेस्ट नहीं दे पाया, कहीं आपने छुट्टी कर ली, 2 दिन शादी में चले गए, मामला बिगाड़ दिया, जाओगे सही, मानोगे तो हो नहीं भाई, इंडिया है तो ये सब घटनाएं घटित होती हैं आपके जीवन में, और भी बहुत सारी घटनाएं चल रही होंगी आपके जीवन में, तो कुल मिलाकर के उन सभी के साथ में आपको इसको भी अपना ट्रैक पकड़ के रखना है। रात में 2 बज जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, 3 बज जाए, मैं सुबह 5:30 बजे सोया हूँ आज, समझ रहे हो मेरी बात, तो मैं आप लोगों के लिए तो 5:30 बजे सोया हूँ, क्या किया मैंने, मैंने आपके लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह आपको प्रोवाइड कराए कि भैया आप ध्यान रखिए, एज लिमिट ये है, ये चीज़ ये आप देखो ने अपने हमारे यूट्यूब पर जा करके, है ना, और दिन में मैं आपकी सारी क्लासें देखता हूँ, सारी चीज़ों को देखता हूँ, आपको सुव्यवस्थित तरीके से आप तक सारी चीज़ें कंडक्ट करा रहे हैं, है ना, अब आप समझ लो यार हम, और पता है आपको एक बात, 1.5 महीने से मैं यूट्यूब पर नहीं आया, कोई वीडियो नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, आंतरिक रूप से मजबूती लानी थी, बाबा सर को जोड़ना था, विपिन सर को जोड़ना था, शिवम सर को जोड़ना था, इतने जो मजबूत टीचर हैं जो कि आपको अंदर से मजबूत बना सकते हैं, उन टीचरों को जोड़ना था, मैं 1.5 महीने तक नहीं आया, मुझे नहीं बेचना कोर्स, मुझे ज़रूरी नहीं है, आप नहीं भी लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बस मेरे को यह है इतना मजबूत मतलब अंदर से मैं यहाँ से अपने आप को इतना मजबूत कर चुका हूँ, अब आपको मजबूत करने की बारी है, अब आप जितना जल्दी जुड़ जाएंगे, जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे घंटों के हिसाब से, आप 2 बच्चे मिलके एक कोर्स लो कोई दिक्कत नहीं, 3 बच्चे मिलके लो, मैंने लैपटॉप पर एक्सेस दे रखा है, लैपटॉप से क्या होता है कई लोगों का कोर्स चोरी हो जाता है, मेरा चोरी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो लेकिन आप लोग कैसे भी पढ़ो, लैपटॉप पर एक्सेस है, आप लैपटॉप रख लो अपने सामने, 2, 3, 4 जितने बच्चे हो सब रख लो सामने, पढ़ो नोट्स बनाओ बकायदा, ऐसा लगना चाहिए, ऑफलाइन क्लासेस में बच्चा एक एक बच्चे का हैंड रेस किया जाता है, 2-2 बच्चे 3-3 बच्चे बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे 3 बच्चों ने एक साथ मिलकर के पढ़ाई कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, अंदर से मेरे को भी जुनून आता है कि नहीं यार बहुत अच्छा करा इन्होंने कि कम से कम 3 बच्चों ने मिलकर कोर्स लिया है, और मुझे खुशी होती है, तीनों को जवाब मैं देता हूँ, मजा आता है, आप पढ़ो तो सही, हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं आपके लिए, बाबा सर से बात करें और बाबा सर ही इस क्लास को एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास सर को ही लेनी है ना, बाबा सर की क्लास है संविधान की, इन्हीं शब्दों के साथ जो है क्लास को खत्म करते हैं, जय हिंद, और 8 बजे अभी क्लास शुरू होने जा रही है, उसे आप जरूर लें, ठीक है, उससे आपको लाभ मिलेगा, धन्यवाद। क्या चीज़ पढ़, हाँ, एक ही क्लास में संविधान का जो है समाप्त हो जाएगा पूरा, ठीक है।